क्या होगा अगर आपका सामना दुनिया के सबसे जहरीले जानवर से हो जाए जिसका जहर साइनाइड से भी ज्यादा तेज है और आपको ये भी पता हो कि अभी तक इस जानवर से लड़ने वाली एंटीडोट या दवाई भी अभी तक नहीं बनी है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे जहरीले जानवर जिनके जहर की एक बूंद कई लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला सकती है। तो आइए जानते हैं इन जानवरों के बारे में जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। आपने अपने आसपास मेंढक तो जरूर ही देखे होंगे। वे सब दिखने में बहुत ही सिंपल होंगे लेकिन ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग दिखने में चमकीला बड़कीला होता है और ये जितना ज्यादा चमकीला होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी, जिसका कारण है इनका जहर। ये मेंढक दुनिया के सबसे जहरीले मेंढक है। ये मेंढक इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसे काटने की भी जरूरत नहीं होती, यानी इसे बस छूने से ही काम तमाम। ये मेंढक अपनी चमकीली त्वचा की वजह से ही लोगों और जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और इसी वजह से जब शिकार इसके पास चलकर आता है तो खुद शिकार बन जाता है। पफर फिश। इस मछली के आसपास अजीब से कांटे निकले होते हैं जो कि इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। पफर फिश एक ऐसी मछली है जो दिखने में भले ही कितनी भी खूबसूरत क्यों ना लगती हो लेकिन ये दुनिया के सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस मछली का जहर साइनाइड से भी 100 गुना ज्यादा तेज होता है और इसी वजह से ये मछली हर साल लगभग 100 लोगों की जान ले लेती है। जब ये मछली किसी को काटती है तो वो इंसान पैरालाइज हो जाता है और समय पर इलाज ना मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। ये मछली जापान, फिलीपींस, मेक्सिको जैसे जगहों में पाई जाती है। हालांकि इतनी ज्यादा जहरीली होने के बाद भी जापान के लोग इस मछली को बहुत ही चाव से खाते हैं। स्टोन फिश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मछलियाँ दिखने में एक पत्थर जैसी होती है और ये ऐसी इसलिए होती है क्योंकि ये खुद को किसी भी माहौल के हिसाब से ढाल लेती है। इन मछलियों का वजन लगभग 2 किलो तक हो सकता है और ये 20 इंच तक बड़ी हो सकती है। समुद्र में रहने वाली ये मछलियाँ करीब 100 साल तक जिंदा रह सकती है और इनकी पूरी दुनिया में 5 प्रजातियाँ पाई जाती है। वैसे अगर आपका पैर इनके ऊपर पड़ जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। जितना वजन इनके ऊपर पड़ता है उतना ही ये जहर प्रोड्यूस करती है। अपने डंक की मदद से ये जो स्टोन मछलियाँ जहर निकालती है वो इतना तेज होता है कि आपको आपका पैर तक कटवाना पड़ सकता है। इनकी काटने की रफ्तार 0.15 सेकंड से भी कम होती है जो कि पलक झपकने में लगने वाले समय से भी कम है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस मछली को दुनिया की सबसे खतरनाक जहरीली मछली क्यों कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि इतनी ज्यादा जहरीली होने के बाद भी इस मछली को जापान और चाइना जैसे देशों में बहुत ही चाव से खाया जाता है। कोन स्नेल। आपने नन्हे और प्यारे स्नेल को तो जरूर देखा होगा। वैसे तो ये हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन स्नेल की एक प्रजाति ऐसी भी है जो इंसानों को भी मार सकती है। ये 6 इंच का स्नेल एक नहीं बल्कि 20-20 लोगों को एक साथ मारने की काबिलियत रखता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्नेल कितना ज्यादा जहरीला होता होगा। ये स्नेल दिखने में कोन की तरह होता है इसीलिए इसका नाम कोन स्नेल पड़ा। हालांकि इस स्नेल को सिगरेट स्नेल भी कहते हैं क्योंकि जितनी देर में एक सिगरेट खत्म होती है उतनी ही देर में इसके काटे गए जानवर या इंसान की जान निकल जाती है। ये स्नेल अक्सर समुद्र के तटों के आसपास पाया जाता है और हमले का डर होते ही ये अपना डंक तुरंत मार देता है जिससे मौत पक्की है। और ये स्नेल खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इसके जहर से बचने के लिए अभी तक कोई भी दवाई नहीं बनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।